नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सानी और आज हम बात करेंगे कि आपका पासपोर्ट अंडर रिव्यू में है, 4 महीने 5 महीने 6 महीने हो गया। हालांकि 10-15 दिन रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अगर आपका पासपोर्ट बहुत ही टाइम से रिव्यू में है तो आप क्या करें, क्या उसका सॉल्यूशन है। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी है, 2-3 वीडियो मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर बनाया है, लेकिन अभी क्या ना जो नई ऑडियंस आती है वो भाई चैनल पर जाकर वीडियो को वॉच नहीं करना चाहती है, इसके लिए कमेंट्स करते रहते भाई मेरा रिव्यू में है, क्या करें, सॉल्यूशन क्या है, मतलब इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाले, तो कमेंट्स आता रहता है। तो फिर मैं सोचा चलो भाई चैनल पर नहीं जाके देख रहे हो तो वीडियो ही बना देते हैं। तो आज के हमारी जो ये वीडियो है पूरा इसी टॉपिक पर रहेगी कि आखिर में हमारा पासपोर्ट अंडर रिव्यू में क्यों रहता है, अब रिव्यू में कहाँ रहता है, या फिर उसमें देखा कि आपका अभी रिव्यू में एसपी ऑफिस पर रुका है या फिर आपका अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, इस तरीके से शो करता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रिव्यू में जाता है तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि आपके फाइल को चेक किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है, आपके डॉक्यूमेंट को, आपके मार्कशीट को, इसका मतलब यही होता है कि आपके फाइल को अभी वो लोग चेक कर रहे हैं, इसलिए वो रिव्यू में है। अगर चेक करने के बाद सब कुछ सही रहता है तो वो आपके फाइल को आगे भेज देते हैं और आपका पासपोर्ट प्रिंट होके मतलब आपके पास चला आता है। लेकिन इन दैट केस अगर आपके मतलब रिव्यू के समय कुछ वहां पर डाउट होता है उन्हें, मतलब डाउट का मतलब ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट में मिसमैच हो जाता है, नाम में कुछ मिसमैच होता है, या फिर आपने पहले भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, या फिर आपके मार्कशीट को वेरीफाई के लिए भेजते हैं, तो इन सारे केस में जो है आपके फाइल को वहां पर रोक दिया जाता है, एसपी ऑफिस में तब रोका जाता है। देखो अगर आपका ऐसा शो कर रहा है कि एसपी ऑफिस में आपकी फाइल रुकी है तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको डायरेक्ट एसपी ऑफिस जाना, वहां पर बात करना है कि सर हमारी फाइल यहां पर रुकी है तो किस रीजन से रुकी है, आपको वहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है और वहां पर डॉक्यूमेंट दिखाना है। जनरली एसपी ऑफिस में तभी रुकती है जब आपके नाम से कभी क्रिमिनल केस वगैरह हुआ होगा, तो आपके ऊपर जो भी केस था तो जब केस फाइनल हो जाता है तो पता है ना उसका कागज भी एक आता है कोर्ट की तरफ से, तो वो आप कागज वहां पर लेके जाकर दिखा सकते हो कि आपका केस फुल एंड फाइनल हो गया है। उस केस में जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आपकी फाइल चली गई है, तो उस केस में आपको देखना है कि भाई कौन से रीजन से आपकी फाइल वहां गई है, तो वो तो दिखाता है कभी कभी डॉक्यूमेंट रीसबमिशन के लिए कि आपको फिर से डॉक्यूमेंट को दोबारा सबमिट करना होगा, आपका पुलिस वेरिफिकेशन सही से नहीं हुआ होगा तब भी ये शो करता है, या फिर आपकी मार्कशीट मतलब कि वेरीफाई के लिए चली जाती है आपके बोर्ड के पास, चाहे गुजरात बोर्ड से पढ़ो, हिंदी मीडियम वाले बोर्ड से पढ़ो, यूपी बोर्ड से पढ़ो, राजस्थान बोर्ड से पढ़ो, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी बोर्ड से पढ़ो, वहां पर आपकी मार्कशीट को कभी कभी वेरीफाई करने के लिए भेज दिया जाता है। अब आप सोच रहे हो भाई आपका ये काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए वेरिफिकेशन का और किस रीजन से रुका है आपको एकदम करेक्ट पता चल जाए, तो उसके लिए आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का जो है अपॉइंटमेंट लेकर वहां पर जाना पड़ेगा। अब जो है कुछ शहरों में तो अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो है लोग 15 दिन महीनों तक ट्राई करते हैं फिर भी अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में अगर आपसे अपॉइंटमेंट नहीं बुक हो पाता है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, आपको कम्युनिटी टैब में मेरा नंबर मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर चेकआउट कर सकते हो, जहां पर जाकर आप व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी प्रॉब्लम को कि आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट चाहिए, ऐसा लिख के बस आपको मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पर और उसके बाद हम आपको रिप्लाई सामने से जरूर करेंगे, या फिर आपको लग रहा है कि भाई आपके साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं होगा तो यू कैन कॉल, वीडियो कॉल, आप मुझसे वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो, वीडियो कॉल से बात करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ वो सामने वाला बंदा मैं खुद हूँ या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो आपका अगर पासपोर्ट अंडर रिव्यू दिखा रहा है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेकर वहां पर जाओ। देखो अगर 10-12 दिन की बात होती है तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी जो है ना 5-10 दिन तक तो वैसे भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रिव्यू में रहता है, लेकिन मैं उनके लिए बात कर रहा हूं अपॉइंटमेंट लेने के लिए जिनका 15 दिन से ज्यादा हो गया है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में फाइल को रुके हुए, वो लोग जरूर अपॉइंटमेंट लेकर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाए तभी उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में हो गया होगा, और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप सभी लोगों के प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनाना ही मेरा काम है और आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।